नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको पूरी जानकारी मिल नहीं पाएगी। इसलिए मित्रों वीडियो स्किप मत करना। मित्रों मैं आज बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कि कैसे पिक्सार्ट में अच्छे ढंग से अपने थंबनेल को बना सकते हैं, कस्टम थंबनेल को। ठीक है, पिक्सार्ट में हमने ओपन किया मित्रों, और पिक्सार्ट ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक करा। ठीक है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है मित्रों। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ कि फ्री में आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं मित्रों। पिक्सार्ट पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। ठीक है, और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर पिक्सार्ट पे आता है तो हो सकता है कि पिक्सार्ट आप अभी तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा ख़ासतौर से, तो आप अगर फ्री में पिक्सार्ट को चला रहे हैं तो फिलहाल आप अगर नए क्रिएटर हैं तो अभी आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। लेकिन जैसे ही मित्रों आपका चैनल अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं 1000 और 4000 आपके घंटे वाच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि पिक्सार्ट के जो ओनर यानी मालिक जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करें और आपको आपसे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं, और तो आप उनसे निवेदन वगैरह कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप मान जाएं वो सामने वाले। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, अभी कॉपीराइट स्ट्राइक आया नहीं, बहुत सारे लोग फ्री में यूज़ करते हैं। बात करेंगे, हो सकता है सामने वाले पार्टी आपके वीडियो से कमाई होने वाले जो अर्निंग मनी है उसमें से कुछ हिस्सा आपको ले सकता है, या आपको ये सूचना दे सकता है कि भाई देखो आपका चैनल अभी चल रहा है, आप हमें भी कुछ दीजिए, हमारे कस्टम थंबनेल को यूज़ कर रहे हैं आप। परचेस किया था मैंने इसे, ख़रीदा था। ठीक है, एक बार मैंने ख़रीदा था इसे, अभी फ़िलहाल मैं भी फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ख़रीदा था और ख़रीदने पे मैंने ये कुछ फ़ोटोज हैं बैकग्राउंड जो मैंने यहाँ पे सेव करके रख लिया है उसी में से किया हुआ है जो मैंने ख़रीदा था पहली बार। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं कोई भी, मान लीजिए मैंने ये सफ़ेद वाला ही ले लिया। ठीक है, नहीं तो वाइट रंग का मैंने ले लिया है। आप यहाँ पे क्लिक करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसे चालू कैसे कस्टम थंबनेल बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर आता है मित्रों टूल्स, यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन देता है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मित्रों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ क्रॉपिंग का एक ऑप्शन देता है, यहाँ पे फेस क्रॉप, फेस को क्रॉप करना है तो फेस को क्रॉप कर सकते हैं। खाली यहाँ पे शेप दे रहा है, कई तरह का शेप है यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये सब, आकार दे सकते हैं। ठीक है, बैक चलता हूँ और एक मिनट, अभी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। डिस्प्रेशन दे रहा है आपको, यहाँ पे क्लोन दे रहा है, अगर आपका कोई एक फ़ोटो लगा हुआ है और उस पर ऐसे खींचना है, हाथ से अगर खींचते जाएंगे तो उसके जस्ट बगल में उसी फ़ोटो का डुप्लीकेट भी बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्लोन दिया हुआ है। चलिए मित्रों सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कस्टम थंबनेल बनाना कैसे। क्रॉप पे जाना है पहले नंबर पे, पहले नंबर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मित्रों आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ यहाँ पे, कि नीचे आपको दिया हुआ है इसे स्लाइड करना है लेफ्ट में, यहाँ पे आपको दिखा रहा है YouTube, आप किस आकार का इसे बनाना चाहते हैं, YouTube के लिए बनाना चाहते हैं या फिर हेल्डर पे बनाना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं ट्विटर पे। ठीक है, फिलहाल हमें डायरेक्ट इसे स्लाइड करके एकदम लेफ्ट में ले जाना है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा YouTube, YouTube पे आपको क्लिक करना है। ये अपने आप आकार ले लेता है मित्रों, आप देख रहे हैं ये अपने आप आकार में आ गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं YouTube के साइज़ से आ गया, अब हमें यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही ये आ गया YouTube के आकार का। अब क्या करना है मित्रों, सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले हमें अगर कोई फ़ोटो लेना है यहाँ पे तो फ़ोटो ले सकते हैं डायरेक्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। चलिए मैं एक बना ही लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें बनाना है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मित्रों यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको यहाँ पे
कलर दिख रहा है, टेक्स्ट कलर अभी वाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्लिक करना है और एक टेक्स्ट कलर ले लेना है, मैंने रेड ही ले लिया। ठीक है, रेड लेने के बाद मित्रों यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, हम जैसा चाहें इसका आकार वैसा देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको स्लाइड करते जाना है, आपको जैसा कैरेक्टर चाहिए वैसा ले लें। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रोक मिलेगा, स्ट्रोक मतलब बैकग्राउंड कलर होता है मित्रों, आपको दिखा दूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जैसे जैसे मैंने इसे खींचा वैसे वैसे बैकग्राउंड यानी ब्लैक लगा हुआ है, तो मैंने इसे ब्लू भी नहीं जच रहा है, तो ठीक है मैं येलो ले लेता हूँ। अभी मैं देखता हूँ ये मस्त लग रहा है, यहाँ से इसे उठा करके अपने हिसाब से सेट कर लेना है, आप कहाँ सेट करना चाहते हैं। इस साइड खींचेंगे आप लेफ्ट में तो ये बढ़ करके ये तन सा जाता है पूरा, लेकिन अगर आप राइट में इसे क्लिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे दिख जाता है पूरा, इसलिए इधर से आपको खींच करके इसे 3-4 बार छोड़ करके जितना आप छोड़ते जाएंगे वैसा ही आपको ये फिर से अपने आकार में आ जाता है जैसे आपने लिखा था। तो फिलहाल इसे हमने यहाँ पे रख लिया। अगर आप हैकर से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने वाले यहाँ कट कर दें क्योंकि मैंने फ्री में यूज़ किया है। तो अभी आप देख रहे हैं नहीं तो पहले ही लेयर में ही अभी ओके नहीं हो रहा है, यानी सेव नहीं हो रहा है। चलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको, फ्री में कैसे इसे लिखना है। टेक्स्ट तो अभी मेरा आएगा ही, आप देख रहे हैं टेक्स्ट भी आएगा, यहाँ पर फ़ोटो भी आएगा, तो मेरा टेक्स्ट अभी यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर से टाइप किया। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है यार, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज करके बना लेता हूँ। ये अभी परफेक्ट है, ये मैंने सेव करना चाहा तो सेव नहीं हो रहा है मित्रों। आप करना क्या मित्रों, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अभी क्या करना है मित्रों मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं गैलरी में जाता हूँ और गैलरी में आपको दिखाऊँ वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको आप एक चीज़ इसका नहीं हटा सकते हैं, ये तो हटा सकते हैं आप जो पिक्सार्ट का बना हुआ है बैकग्राउंड हटा सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है पेन का आइकन, आप स्क्रीनशॉट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटा बड़ा करने के बाद में भी आपको एक चीज़ नहीं हटेगा। मैं चलिए मान लो मैंने छोटा कर लिया, ठीक है देखना मैं छोटा करके ही दिखा देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ अब इसके साइज़ का, और यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। सेव तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से एक चीज़, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मित्रों, कि आप अगर डिटेल में जाएंगे फ़ोटो पे यहाँ पे और डिटेल में जाकर के आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसका आप कब बनाए, किस किसको बनाए, कैसे बनाए, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको रिजोल्यूशन, यानी किसी और फ़ोटो का आपने रिजोल्यूशन बनाया है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज CDIM और यहाँ पर लिखा है स्क्रीनशॉट, आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, तो ये बता रहा है स्क्रीनशॉट है। अगर आपने इसे कस्टम थंबनेल में इस्तेमाल कर लिया तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है कि आपने किसी और का इस्तेमाल किया हुआ है, हालांकि आपके फ़ोटो वगैरह रहते हैं बहुत कम चांसेज रहता है, अगर आपने फ़ोटो लगाया हुआ है कस्टम थंबनेल में तो कम चांसेज रहता है, फिर भी आपने जुगाड़ किया हुआ है कुछ ना कुछ आपके उपाय किए हैं तो आपने परचेज नहीं किया था पिक्सार्ट को तो वहाँ से आ सकता है आपको कॉपीराइट स्ट्राइक। इसलिए अभी क्या करना है मैं बाहर चल करके दिखा देता हूँ मित्रों, आपने स्टार्ट करना है फिर से अपना पिक्सार्ट, पिक्सार्ट में आपको फिर से जाना है। आपने देखा होगा पहले दूसरे लेयर में आपको सेविंग का ऑप्शन देता है, ज़्यादा लेयर लगने के बाद में नहीं देता है सेविंग का ऑप्शन, क्योंकि पहले दूसरे में देता है। पिक्सार्ट में अपने वही फ़ोटो को स्क्रीनशॉट जिसका लिया था मैंने उससे यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, आपको उसे लेना है, अब यहाँ पे आपको फिर से वही क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, क्रॉप ऑप्शन में जाकर के पहले नंबर पर फिर क्लिक करना है, क्रॉपिंग करना है, तो आ चुका है। यूट्यूब का साइज आने के बाद मित्रों क्या करना है, हमें इसे उठा करके अपने फ़ोटो के हिसाब से लगा लेना है। अभी हमें यहाँ पे आकर के सेव पे क्लिक करना है मित्रों, आपको यहाँ पे दिख रहा है सेव का ऑप्शन,
अब आप इसे सेव करेंगे तो पूछेगा कहाँ सेव करेंगे, सेव गैलरी में हमें करना है तो हम गैलरी में कर लेते हैं। ये मैंने किया और हो भी गया। वीडियो पहले वाला है, स्क्रीनशॉट वाला, आपको एक फिर से दिखा देता हूँ। इसके देखिए तीन डॉट पे जाते हैं, तीन डॉट पे जाने के बाद डिटेल में जाते हैं, डिटेल में जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा है ये सॉल्यूशन। तो मित्रों आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये पहले वाला जो स्क्रीनशॉट लिया था उसका है। यहाँ पे डिटेल में जाते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं DCIM स्क्रीनशॉट, यह स्क्रीनशॉट वाला है। स्क्रीनशॉट वाला मैंने डिलीट कर लेना है जो मैंने अभी सेव किया था। मैंने इस पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाने के बाद डिटेल जाना है। डिटेल जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनल स्टोरेज पिक्चर पिकशॉट, अभी स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पिकशॉट। तो ये अब मैं अगर लगाता हूँ कस्टम थंबनेल तो कोई ना समझ पाएगा और कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आने का चांस नहीं है। तो मित्रों इस तरह से मैंने एक कस्टम थंबनेल भी बनाना आपको बता दिया और इसके बारे में डिटेल से जानकारी भी दे दिया कि कैसे एक हम जो है फ्री में अपना कस्टम थंबनेल बना सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा मित्रों तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले जब भी मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन द्वारा उसकी सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।